प्यूर एरिया ट्यूबरोसा, बिदारीकंद, बल्य ब्रह्मणीय और स्नेहोपग कर्मों में यह बहुत ही उपयोगी है। इसको हमने आज ही संग्रहित किया है। भूमि कुष्मांड के नाम से भी जाना जाता है। इसके कंद देखिए, देखते ही नजरें नहीं हट रही हैं, कितना भारी भरकम कंद है। उद्यमेन ही सिद्धंती नाम अनुरथ ही कार्याणी, किसी भी मेहनत के बिना जो है वो कोई कार्य सफल नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि आज रविवार है और कितना ये हम ये मेहनत भरा कार्य जो है वो औषधीय द्रव्य निर्माणार्थ कर रहे हैं। इधर जो है वो वासा की मूल जड़ें जो हैं वो निकाली जा रही हैं। और ये आप देख सकते हैं इधर, ये आपका बिदारी कंद जो है वो साफ हो रहा है। इसको छोटे छोटे पीस में करके जो है वो हम सुखाएंगे। देखिए वो रखा है वहाँ पे एक धोखे जो है, तो अब इसको काट के जो है वो सुखाया जाएगा। और ये देखिए इस प्रकार से हमारे ये मिट्टी से जो है वो ये बिल्कुल साफ हो चुके हैं। और ये देखिए ये है वराही कंद, तो ये भी अभी साफ होगा। तो ये मेहनत भरा कार्य जो है वो होता है, और इसीलिए आयुर्वेद औषधि द्रव्य जो है वो इतना महंगी भी होती हैं और इफ़ेक्टिव भी होती हैं। प्रकृति का ये अनमोल उपहार है और स्वास्थ्य वर्धन में जो है वो गुणकारी भी होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं जड़ें, देखिए ये, और ये हमारा बिदारी कंद, ओरिजिनल बिदारी कंद फ्रॉम हिमालय रीजन। अब हमारे पास ये बिल्कुल साफ हो गया है, मिट्टी जो है इसकी धुल गई है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी रंदाई कटाई का काम जो है वो चला है। और चलो अब आपको बर्फ़ी दिखाते हैं, बिदारी कंद बर्फ़ी। वाह, ये देखिए अश्विन जी काट रहे हैं और ये देखिए, वाह दिल ही खुश हो गया, बिदारी कंद बर्फ़ी। और आप चाहें तो इसे खा भी सकते हैं, एक पीस बर्फ़ी का लेके जो है वो इस तरह से खा भी सकते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा है ये पीस, श्वेता भा वर्ण, दूध से भी ज़्यादा जो है वो वाइट है। और ये अब इसके हमने छोटे छोटे क्यूब्स जो हैं वो बना दिए हैं। और ये देखिए बर्फ़ी जो है वो इसकी टाइप में हम इसको काट रहे हैं। इसको सुखाएंगे और फिर इसका जो है वो पहले तो च्यवनप्राश में इसका एक मुख्य घटक द्रव्य है ये, उसमें भी पड़ेगा और अन्य औषध घटक योगों में भी सब प्रयोग किया जाएगा। तो ये अति दुर्लभम बिदारी कंद, और धन्य है वो महानुभाव जो जिनके हाथों में जो है वो इसका गुण अंतर्धानम जो है वो हो रहा है। तो ये देखिए एपीओ हैं हमारे अश्विन जी हैं, बहुत ही डेडिकेट हैं आयुर्वेद के लिए। और ये इधर जो है वो देवराज है। प्रिय अजीज बंधुजनों, ये बर्फ़ी जो तैयार हो रही है ये बर्फ़ी नहीं है, ये बिदारी कंद के बर्फ़ी स्वरूप टुकड़े हैं। और मन ही खुश कर दिया, ये देखिए अश्विन ने कितने प्यारे जो है बर्फ़ी के पीस बना रहा है ये। और बर्फ़ी की बड़ी बड़ी ठेलियां जो है वो ये देवराज बना रहा है। और ये ठेलियां, ये देखिए ठेलियां, मैं दिखाता हूँ आपको इसकी ठेलियां भी, दिखाना जरा अश्विनी, ये देखिए जी ठेलियां देखिए आप सीधा। हाँ वाह, ये है बिदारी कंद, क्या है क्या है, उफ मिल्क केक भी कुछ नहीं है इसके सामने। दी बेस्ट बल्या है, बेस्ट रसायन है, बेस्ट वृक्ष है, बेस्ट स्नेहोपक द्रव्य है।
अभिदारी कंद को जो है वो काटने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारा जो है, लगभग लगभग कितना होगा अश्विन जी, ये कम से कम 50 किलो 50 किलो से ज़्यादा ही होगा ज़्यादा ही ये होगा। आर्द्रावस्था में। तो अभी जो है वो देखिए, इसको हम फैला रहे हैं ताकि ये धूप में जो है वो सूख जाए और फिर जो है वो इसका औषधि ग्रहणार्थ हम प्रयोग कर सकें। तो ये देखिए, और भी यहाँ पे बहुत सारी औषधीय द्रव्य हैं। बिदारी कंद के अलावा जो है वो ये आप देख सकते हैं, ये वराही कंद है। ये वराही कंद भी जो है वो हमने काट कर सूखने के लिए रखा है। ये देखिए कितना प्यारा इसका जो है वो ये है। और ये हरित की, तो इसी के साथ जय आयुर्वेद, जय आयुर्वेद, जय आयुर्वेद।